बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल टॉप एज और मैं हूं कब नवाज, हाजिर एक नई डिफेंस अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम JF-17 ब्लॉक 3 पर बात करेंगे। सोर्सेस में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 का एक नया स्क्वाड्रन जो है वो रेज करने जा रही है और बहुत जल्द जो है एक दर्जन से जायद जो जहाज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो इंडक्ट कर लिए जाएंगे और एक पूरा स्क्वाड्रन जो है वो उसको एक रिप्लेस कर दिया जाएगा JF-17 ब्लॉक 3 से। ये नंबर 8 स्क्वाड्रन जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर हैदर्स के नाम से जाना जाता है उसको रिप्लेस किया जा रहा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से। और इससे पहले जो है हैदर्स जो है वो मिराज 3 और मिराज 5 उड़ा रहे थे जो कि डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल होते थे और इसके साथ साथ वो समंदर पर भी अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ग्रेजुअली जितने भी जो जहाज हैं उनको फेज आउट करने जा रही है, जिस पर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स इसको फेज आउट करके इसकी जगह स्टेट ऑफ द आर्ट जो J-10Cs है 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ब्लॉक 3 जो 4 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके साथ इक्विप कर रही है और इसकी मदद से अपनी जो एयरफोर्स की इन्वेंट्री है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये डिफेंस अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।